कैसे हैं सारे भाई? गुड मॉर्निंग भाई। मेरे पीछे गाड़ी देख रहे हो ना, कौन सी है बता सकते हो? वैसे तो सारे, लेकिन जिस भाई ने ये गाड़ी मॉडिफाई कराई है ना, इतने टेस्टफुली कराई है कि जब मैंने फर्स्ट टाइम ये गाड़ी देखी थी उस टाइम थोड़ी सी लो लाइट थी, तो मुझे तो कन्फ्यूजन हो गया कि ये थार है या टू डोर वाली रेंगलर है। तो सिनेमेटिक शॉट्स में तो आपने देखा होगा कैसी लग रही है गाड़ी। बाकी मैं और भी दिखा देता हूँ। देखो यार, भाई ने ना जो मॉडिफिकेशंस कराई हैं गाड़ी के अंदर वो बहुत डिसेंट सी कराई हैं। लाइक एक इसमें खाली ये जीप वाली ओरिजिनल व्हील लगाई है, 7 कैस्केड वाली जो होती है, ये ऑफ रोड वाला बम्पर लगाया है। और बेस्ट पार्ट जो लगाया है ना, वैसे मैंने इस गाड़ी के साथ ऑफ रोडिंग करी है और मैंने चलाई हुई है ये गाड़ी। ये वाले जो व्हील्स आप देख रहे हो ना, ये वाले व्हील्स लगाए हैं भाई ने। बाकी अलॉयज भाई ने स्टॉक ही रखे हैं, तो अलॉयज तो ना स्टॉक ही रखने चाहिए, क्योंकि पता नहीं ना, जो कंपनी अलॉय देती है ना उसका क्वालिटी ज़्यादा बेटर होती है, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। बाकी कई लोग बाहर से भी अलॉय लगाते हैं, वो भी हो सकता है अच्छे होते हैं, लेकिन मुझे पर्सनली लगता है कि कंपनी अलॉयज ही बेटर होते हैं। चलो तो गाड़ी के अंदर भी दिखाता हूँ आपको अंदर से कैसी लग रही है। चलो तो भाई गाड़ी के अंदर चलते हैं, अंदर से आपको दिखाता हूँ। अंदर से भाई ऐसी लग रही है कुछ, ये देख लो, पूरा ऑल ब्लैक भाई ने बना रखी है। ऑल ब्लैक इंटीरियर तो आता ही है थार के अंदर। ये पीछे कन्वर्टेबल है, तो ये पीछे के दो लोगों की सीट आई नो ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होती, बट अगर एक बार आप बैठ जाओ ना तो फिर थोड़ा इजी रहता है। बाकी वो कंफर्ट नहीं मिलेगा जो आपको एक प्रॉपर 5 सीटर SUV में मिलता है, बट ठीक है, दो लोगों के लिए बहुत अच्छी है। ये इसकी गियरिंग है भाई, ये ऑफ रोड वाली गियरिंग है, 2H 4H 4L। यहाँ पे इसके यहाँ होते हैं पावर विंडोज़ के बटन, बिकॉज इसके डोर्स भी था उसकी तरह डी अटैचेबल होते हैं, जैसे जीप रैंगलर में डी अटैचेबल होते हैं ना, ऐसे इसके भी डी अटैचेबल होते हैं। और पूरी गाड़ी खुल जाती है, अभी मैं खोल के तो नहीं दिखाऊंगा आपको, बिकॉज खोलने में यार बहुत टाइम लगता है। और जो गाड़ी जिनकी है ना, उनका चैनल भी है, हिज नेम इज़ विक्रम मलिक, तो उनका चैनल देखना आपको, इस पर और भी गाड़ियाँ मिलेंगी देखने को। अभी विक्रम भाई से मिलवाता हूँ आपको, और एक बार इसकी छोटी सी एक राइड ड्राइव करके भी देखेंगे। वो एक्चुअली राइड इसलिए निकल जाता है कि बाइक की ज़्यादा वीडियो बनाते हैं ना। अच्छा हाँ, भाई ने ना एक ये भी लगा रखा है इसके ऊपर, ये काइंड ऑफ स्पॉयलर आप इसको बोल सकते हो। और लोगो भी देख लो यार, सीधे जीप पर ही लगा रखा है। बाकी भाई ने बहुत डिसेंट मॉडिफिकेशन कराई है, तो इसलिए कार बहुत सिंपल, सोबर और स्टाइलिश लगती है, और ओरिजिनल वाली रैंगलर को पूरी तरह से टक्कर दे रही है। तो चलो भाई, अभी मिलवाता हूँ आपको विक्रम भाई से, और फिर लेकर चलता हूँ एक छोटी सी इसकी ड्राइव पे। तो जैसे मैं कह रहा था, अभी आपको मिलाता हूँ इस गाड़ी के ओनर से। ये रे भाई विक्रम भाई। हेलो भाई, हमारा बहुत स्मार्ट है, और भाई बाय प्रोफेशन बॉक्सर भी है ना भाई? तो भाई एक चीज़ बताओ, आपने थार लेनी थी या रेंगलर लेनी थी? थार लेनी थी, लेकिन उसको रेंगलर में कन्वर्ट करना था। शौक पूरा करना था अपना भाई, टाइम के साथ भगवान ने अगर दिन दिया तो कभी रेंगलर भी जरूर लेंगे, 100% लेंगे। पहले तो कुछ और आ रहा है, अभी सरप्राइज है, वो बताएंगे नहीं, लेकिन ये है कि आप यार गाड़ी देख रहे हो ना, जैसी भाई की पर्सनैलिटी है ना, वैसे गाड़ी की पर्सनैलिटी है, बड़े शिद्दत से भाई ने बनाई है। भाई एक बार मैंने तो बताया था लोगों ने आपको कि क्या क्या लगाया है, लेकिन एक बार आप थोड़ा, अगर आपको कॉस्टिंग याद हो ना तो उसके साथ बता सकते हो। जैसे आपने ये जो लगाया है, ये बताऊं तो इसको 4500 रुपये का था, 4500 रुपये से गिफ्ट है मेरे। ये चलो भाई, ये भाई ये महिंद्रा से गिफ्ट है, ठीक है, बता रहा हूँ 4500 रुपये, 4500 का है। अगर किसी को आफ्टर मार्केट लगाना है तो जाके लगा सकता है भाई। फिर ये वाली ग्रिल बताओ, ग्रिल की अगर स्टोरी बताऊं तो आपको पता होगा सनी भाई, मार्केट में इतने बड़े चोर बैठे हैं, भीमरा वाला 5500 रुपये देता है, 6000। हम लोग किसी का नाम नहीं ले रहे, हम लोग बता रहा हूँ आपको, 7-8 हज़ार रुपये की मिलेगी, लेकिन ये मेरे को सिर्फ 3000 रुपये में मिली थी, नजफगढ़ में मिली थी, मेरे दोस्त की दुकान, उसने 3000 रुपये की दी भाई। उस दोस्त की दुकान का लिंक भी डाल देंगे, तो किसी और को भी लेनी हो तो वहाँ से जाके ले लेगा। अब भाई ये बताओ, ये मेन जो बम्पर आपने जो लगाया है ना, इसका बताओ यार। सनी भाई बम्पर की फिर वही स्टोरी आती है, आफ्टर मार्केट में जाता, मेरे प्रॉपर मेरे चैनल पर एक प्रॉपर ब्लॉग भी है इस बारे में, उसका भी लिंक डाल देंगे भाई का। इस बम्पर के लिए मेटल बम्पर है, ये मेटल का है भाई, ये देख लो सारे, ये पूरा हैवी है।
चढ़ के भाई की एक फोटो डालूंगा मैं, वो देख रहे हैं ना, फाजलपुरिया भाई भी खड़ा हो गया था इस पे और अपना विक्रम भाई भी। तो स्टोरी बताऊं तो मेटल बम्पर का मैंने बात करी कि मैं अपना मेटल बम्पर बनवाना चाहता हूं, तो उन्होंने प्राइस बताया समेर एक स्कूटी का 50 से 60 हज़ार रुपये। 50 से 60 हज़ार। लेकिन ये हमारे पड़ोस में लगा लो, मेरे पास इससे पहले भी थार थी, मैंने वहाँ उसका भी बम्पर, हमारे मेरे अंकल जी हैं जो बस बॉडी का काम करते हैं, जो बस बनाते हैं। अच्छा। तो उनके पास गया, मैंने उनको बताया कि अंकल जी ऐसे ऐसे बम्पर चाहिए, तो उन्होंने मेरे को बना के दिया 15,000 रुपये के अंदर आपको बम्पर प्लस रेडिएटर ग्रिल भी मिलेगी इसकी। भाई रेडिएटर ग्रिल भी है, 15,000 बम्पर भी है, तो वो अंकल जी का लिंक भी मैं जरूर डालूंगा। तो जिस भी भाई को कम बजट में रैंगलर बनानी है ना, वो जाके बना सकता है अपने भाई, बना देंगे बिल्कुल बनाएंगे अपने भाई, जाके ना विक्रम भाई का रेफरेंस दे देना, 100% आपको बना के देंगे। और ओनली वन इन इंडिया बम्पर भाई फिलहाल तक, तो मैंने तो अभी तक खैर किसी थार में देखा नहीं, नई वाली के अंदर, पुरानी वाली में किसी ने लगा रखा हो, तो ये ऑनलाइन ओनली वन भाई क्लेम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसके साथ और दिखाता हूँ और क्या क्या गाड़ी पे लगाओ। ये भी बताओ, ये जो आपने आफ्टर मार्केट ये जो प्रोजेक्टर हेडलैम्प लगाए हैं, ये कितने के लगे थे? ये 2500 रुपये का प्रोजेक्टर है, और उसके बाद इसके अंदर एच आई डी का मेरे को रेट नहीं पता, बाकी जिमर की HID ये तो पता होगा भाई, अपने आप गूगल कर लेना। अब ये बताओ, ये जो मैक्सिस वाले टायर जो दिख रहे हैं भाई, ये कितने का लगाए थे? ये दो मेरे को शायद 18,000 रुपये का एक टायर पड़ा था भाई, 18,000 का एक पड़ा था भाई ने, पूरे पांचों टायर लगाए हैं। ठीक है, अच्छा वो स्टेपनी वाला ही लगाया भाई ने, 4 लगाए हैं। ठीक है, और अलॉय स्टॉक है इसके अंदर ना, अलॉय 18 इंची का है ना ये, 18 स्टॉक जो आता है, स्पेसर लगवाया गाड़ी के अंदर, स्पेसर लगाया था भाई। ये देख लो आप, इसकी नीड पड़ती है, ऐसा नहीं है कि आपने डायरेक्ट जाकर के ये वाला व्हील लगवाया, कटाई करते समय तो टच भाई, जैसे स्पेसर आपने लगाया तो वैसे मैंने चलाई थी, कुछ फील तो हुआ नहीं कि कोई साउंड आ रही है या कोई वाइब्रेशन आ रही है, बट आप तो जैसे ऑल टेरेन रोड पे भी चलाते हो तो रोड पे कुछ फील होता है क्या? 120-130 जैसे बोलते हैं कि 80-90 के बाद बबलिंग आती है, मैंने 120 पे भी हाईवे पे द्वारका में भी चलाई, 100-120 चलानी नहीं चाहिए लेकिन कई बार चला लेते हैं भाई, कोई हम लोग कह नहीं रहे कि चलाओ लेकिन चलाना मत। ठीक है, लेकिन हमने टेस्ट करी थी तो कोई वॉबलिंग नहीं है। अच्छा, ये भी आपने लगवाया है ये महिंद्रा से बाहर से? स्टॉक है ये, स्टॉक है ये, स्टेपर जो है भाई ये स्टॉक है। ठीक है, और क्या लगाया भाई आपने इसमें? बस स्टॉक और गाड़ी है, बाकी भाई पूरी गाड़ी स्टॉक है। ये हेडलाइट पे स्मोक कराया ना, ये ऐसी ये लाइट पूरी लगवाई है? ये स्टॉक है, ये मैंने ब्लैक करवा रही है भाई, ये स्मोक कराया हुआ है भाई, को शौक बहुत है, अभी ये इसका लोगो भी चेंज कराएंगे। जैसे टॉप मॉडल में आपको ब्लैक और सिल्वर का कम मिलेगा, ब्लैक सिल्वर आता है, लेकिन मैंने मेरा एक कंसेप्ट था कि गाड़ी को फुली ब्लैक रखना है, तो मैंने पेंट करवा दिया था ब्लैक आगे भी पीछे भी। भाई गाड़ी पूरी फुली ब्लैक है, खाली दो ही चीजें ब्लैक नहीं है इसके अंदर, एक तो पीछे वाला, एक तो अलॉयज ब्लैक नहीं है, वो भी कराएंगे, और दूसरी चीज क्या ब्लैक नहीं है वो आप लोग बताना। गाड़ी मैंने सबको पूरी दिखा दी है, तो विक्रम भाई एक बार अंदर से और दिखाते हैं गाड़ी। ठीक है ना, आ जाओ आप, चलो भाई अंदर से देखो, ऐसे मैं दिखा चुका हूँ पर ये देखो पूरी गाड़ी ब्लैक है। विक्रम भाई ये गाड़ी फैमिली के लिए तो यूज होती नहीं होगी? इसको ज्यादातर मैं चलाता हूँ या पापा चलाते हैं, अंकल चलाते हैं या भाई चलाता है, और मतलब आंटी या और घर से फैमिली में तो कोई नहीं बैठता होगा ना? नहीं, एक बार गए थे ट्रैवल करने मनाली, कंफर्ट नहीं आया, मजा तो आया था लेकिन कंफर्ट में कहीं कॉम्प्रोमाइज किया था सबने? बस थोड़ा सा गाड़ी में चढ़ते समय, चढ़ते और उतरते समय, क्योंकि हमारे पास पहले भी था तो कंफर्ट की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं थी। भाई ये देख लो भाई, आपने इसमें अंदर से तो कुछ आइसिंग आफ्टर मार्केट लगाया ही नहीं है? नहीं, बस खाली फ्लोर मैट्स हैं, गाड़ी को लेते ही खाली फ्लोर मैट्स लगाए हैं भाई ने, बाकी ये भी सीट हाइट एडजस्टेबल वाली है, और इसके अंदर इस थार की वीडियो आप लोगों ने इतनी देखी होंगी कि आपको पता ही होगा, बट इस तरह की आती है फ्लिप की। ठीक है, तो लगा के आपको इसका कुछ कैसा है वो आता है वो दिखाता हूँ। लो जी लाइटें जल गई और ये थार बनी हुई और लिखा हुआ आ गया, डोर्स इसके खुले हैं, तो ये देखो दोनों आपके खुले हुए दिखा रहा है। तो एक बार स्टार्ट करके आपको इंजन नॉइज और सुनाते हैं भाई, न्यूट्रल में ही है ना गाड़ी? ये लो यार, अंदर तो साउंड फील ही नहीं होती है जबकि गेट भी खुले हुए हैं अभी, एक बार बाहर आपको साउंड सुनाता हूँ उसका। भाई ये डीजल है या पेट्रोल है? डीजल है, ये डीजल है, डीजल BS6। भाई गाड़ी के अंदर खड़ी हुई है गाड़ी, स्टार्ट है, और देखो मैं कितना पास ले जा रहा हूँ अभी फोन, आपको साउंड फील नहीं होगी यार गाड़ी के अंदर।
मेरे को लग रहा था कि बाहर साउंड फील होगी, बट वो जितना अंदर साइलेंट है उतना ही बाहर भी साइलेंट है। तो गाड़ी मैंने आपको पूरी दिखा दी है, पूरा खुल जाता है, अभी खोलेंगे नहीं यार क्योंकि थोड़ी यहाँ धूल मिट्टी हो रही है। और विक्रम भाई के साथ अब दोबारा फिर मिलेंगे हम लोग ऑफ रोड पर एक बार, और अभी इनकी एक्सयूवी भी दिखानी है। तो यार अगर ये वाली गाड़ी आप लोगों को पसंद आई हो ना तो प्लीज़ बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। तो इस तरह की और गाड़ियों की वीडियोज़ भी लेके आऊँगा और ऑफ रोड की वीडियोज़ भी अब जल्दी आने वाली है। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी, बाय बाय, टेक केयर।